क्या देते हैं? समय। समय के साथ बहुत कुछ आप देते हो, समय के साथ बहुत कुछ देते हो। हमने क्या किया है, अपने इस शरीर को, अपने इस समय को, अपने इस एनर्जी को, अपने इस ताकत को, अपने इस नॉलेज को, तजुर्बे को 500-700 हजार रुपया के लिए रोज हम किसी को बेच देते हैं। सही है या गलत है? 500-700 रुपया के लिए अपने इस शरीर को किसी के हवाले कर देते हैं, बेच देते हैं 10-12 घंटा के लिए, और वो इंसान हमारे शरीर को, हमारे तजुर्बे को, हमारी नॉलेज को, हमारे एनर्जी को यूज करता है, और उसके बदले हमें 500-700 हजार 1200 रुपया ही एक दिन का देता है। जिस दिन हम अपनी शरीर उसको नहीं देते हैं, उस दिन वो पैसा हमें नहीं देता है। सही है कि गलत है? ये हम कब से कर रहे हैं? जब से हम होशियार हुए, जानकार हुए, जवान हुए, या हम पंजाब में आए, जब से हम काम करना शुरू किए तब से ये काम कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? क्या हमारी यही औकात है? समझना, अपने आप को समझना, क्या हमारी यही औकात है? क्या हमारी, हमारे शरीर की यही वैल्यू है? 500-700 हजार रुपया रोज का, उसके लिए 10-12 घंटा बिक जाना। फैक्ट्री मालिक बोलता है कि व्हाइट वाले माल में ब्लैक धागा चलाना, तो हमें चलाना पड़ता है। अगर वो बोलता है कि इस माल में ये काम करना है, तो हमें वो काम करना पड़ता है। यानी वो अपने हिसाब से चलाता, अगर उसमें गलती से भी हम अपना दिमाग लगा लिए, तो वो सामान जो माल है वो भी हमारे खाते डाल देता है, और ऊपर से हमें निकाल भी। डर के मारे हम वहाँ पर वही काम करते हैं जो वो कहता, क्योंकि उससे पैसा मिलता है, उस पैसे से हमारा परिवार चलता है। सही है? लेकिन हमें एक डिसीजन लेना होगा कि अगर उस काम को, हमें सोचना होगा, कैलकुलेट करना होगा, जो काम हम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उस काम को करने से क्या जीवन में हम अमीर बन पाएंगे? कि हमें अपने आप से, हमसे आप लोग मत पूछे, हम इस समय आपके ना कोई मेंटोर है, ना कोई गुरु है, ना कोई कुछ नहीं है, हम सिर्फ आपके दोस्त हैं, आपके छोटे भाई हैं, आपके छोटा बेटा हूँ, इतना ही हूँ इस समय। और मैं आप लोगों से सच्चाई आपके ही मन में कैलकुलेट करवाना चाहता हूं। जिस रोड पर आप चल रहे हो, जिस काम को आप कर रहे हो, उस रोड पर चल करके, उस काम को कर करके 5 साल 7 साल 10 साल में या 15 साल में क्या लगता है कि बहुत बढ़िया आलीशान बंगला, या बंगला को छोड़ो, अच्छा सा घर अपने पास हो जाए, अच्छी सी कार हो जाए, अच्छा बैंक बैलेंस अपने पास में हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है उस काम को करके? फिर हम उसमें क्यों अपने समय को, जब हम खुद ही कह रहे नहीं हो सकता, तो हमें अपने पटरी चेंज करने की जरूरत है कि नहीं? मैंने किया, यहाँ पर मैं काम किया 15 साल से 10-12 घंटा 30 हजार महीना, मैंने इसके बाद 19 के बाद आरसीएम में 20 में शुरुआत किया, आरसीएम में रोज का 1 से 2 घंटा काम किया, 1 से 2 घंटा, और शुरुआती टाइम में जो मुझे पैसा आया था आरसीएम में से, वो आया था 58 रुपया। कितना आया था? 58 रुपया। कितना आया था सर? पहले महीने की हमारी इनकम 58 रुपया हुई थी, राइट? उसके बाद हमने इसको सीखना, तीन काम किया, यहाँ से राशन को खाया, यहाँ से सब सामान लेकर के खाया, इसके बारे में लोगों को बताया, इस तरीके के माहौल और मीटिंग में आया। क्या किया? तीन काम। यहाँ से राशन खाया, इसके बारे में जो मुझे अच्छा लगा, गलत नहीं, जो अच्छा लगा वही, नहीं तो बताओ ही मत, जरूरत ही नहीं है किसी को, जबरदस्ती वाला काम है ही नहीं, बात खत्म। जबरदस्ती तो हम आपको भी नहीं बता रहे, अभी आप यहाँ से उठ के जाओ मत करो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कोई नुकसान है क्या? नहीं, लेकिन आपका नुकसान जरूर है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका नुकसान है, एक नहीं अनेकों तरह से, समय का, शरीर का, पैसों का, तीनों का नुकसान बाजार में है। डुप्लीकेट सामान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, पैसा बचता डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वहाँ पैसा दे के आ रहे हैं, तो वहाँ पर नुकसान है। नहीं करोगे तो हमारा नुकसान नहीं है, आपका जरूर है। तो शुरुआत किया आरसीएम में, 58 रुपये आया, यहाँ से सामान को खाया, लोगों को इसके बारे में सच्चाई बताया, और इस तरीके की मीटिंग माहौल में आया, तो आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। खुशी की बात यह है कि आज आप बैठकर वहाँ सुन रहे हो, क्योंकि वो मेरा बीता हुआ कल है, आज जहाँ मैं खड़े होकर के बोल रहा हूँ, ये आप सभी का आने वाला कल है, यहाँ खड़े होकर बोलोगे। थैंक यू। ये खुशी की बात है आपके लिए, क्योंकि इसी तरह मैं भी भीड़ में आके बैठकर सुना, ये नहीं कि पहले दिन वहां से उठा यहां आ गया इतना बढ़िया बताने लगा, नहीं होता है। और सच्चाई ये है कि इस दुनिया में जिस तरह आप आए थे, उसी तरह हम भी, जैसे आपकी परवरिश हुई वैसे हमारी भी हुई, जो आपने किताबें पढ़ी, हमने भी ABCD
कखा गाघा पढ़ा, एक दो तीन पढ़ा, सेम आपने भी वैसे किया होगा। नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड सबके लिए एक है, हवा एक है, पानी एक है, सूरज एक है, चाँद एक है, धरती एक है, सब कुछ सबके लिए एक है, और ये सिस्टम में प्लेटफार्म भी सबके लिए एक है। अब आपको देखना है ये आपके माइंड में कब जल्दी से जल्दी ये चीज़ आ जाती है, जल्दी आप इसको पकड़ पाते हो, समझ पाते हो, सीख पाते हो, तो आने वाले टाइम में जितने जल्दी सीख पाओगे उतने जल्दी उठ करके वहाँ से यहाँ तक पहुँच जाओगे। शुरुआत हुई 58 रुपये से, खाना बताना मीटिंग में आना, तीन काम चालू किया हूँ, और अभी मेरा जो RCM से इनकम आता है एक महीने का इनकम इतना आता है 30,000 रुपये अभी के टाइम। ये मात्र 3 साल पहले की बात है, कितने साल, 3 साल, लॉकडाउन को ही ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 20 में लगा था 23 चल रहा है, 3 ही साल हुआ, ज़्यादा दिन हुआ नहीं। 3 साल में हमने क्या किया, अपने जो हमारी फैक्ट्री वाली और ये वाली दोनों इनकम को क्या कर दिया हमने, क्या बना दिया, क्या कर दिया, डबल, अपने इनकम को 3 साल में हमने डबल कर दिया। क्योंकि हमें एक बात बताई गई थी कि आपके 3 बड़े दुश्मन हैं जो आपको, आपके परिवार को खा जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। 3 ऐसे दुश्मन हैं जो आपके परिवार को कब खत्म कर देंगे, आपकी जिंदगी को कब उजाड़ देंगे, आपको पता नहीं। क्या जानना चाहते हो दुश्मन कौन हमारे, चाहते हो? आपके 3 बड़े दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन जो अभी परशुराम सर बताए हैं उसको बताता हूं। सबसे बड़े दुश्मन महंगाई, क्या है ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये आपको उठने नहीं दे रहा है, दबा के रखता है। जैसे थोड़ी सी पैसे इकट्ठे होते कोई काम आ जाता है, गया, हमेशा कर्ज में डूबे, हमेशा ब्याज पे पैसे लेना पड़ता है, किस्तों पे सामान लेनी पड़ती है, इसका नाम है महंगाई। बताओ दबा रही कि नहीं दबा रही है, लगातार बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? आप लोग बताओ, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, ये लगातार प्लस हो रही कि नहीं हो रही है? बढ़ रही है ना? क्या इसे हम रोक सकते हैं? क्या ये हमारे बस में है? आप सब लोग यस नो जरूर बोलेंगे, तब पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई बैठे हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर बैठे हैं, बहुत सारी हमारी बहनें बैठी हैं। हाँ ना जरूर बोले आप, कोई भी बात कर रहा घर पे जाके कर लेना, यहाँ कोई बात मत करो, जो बता रहा हूँ उस पे ध्यान दो, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। समय जा रहा, जो अभी समय जा रहा है दोबारा आएगा नहीं। अगर इस समय का करोड़ों रुपया आप देना चाहोगे तब भी परमात्मा आपको समय देने वाला नहीं है। तो जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से समझ लो, क्योंकि साढ़े तीन साल से इसकी जानकारी ले रहा हूँ, इसका नॉलेज ले रहा हूँ, इसके बारे में सीख रहा हूँ। तो जो मैं आपको 3 मिनट में बताने वाला हूँ या 13 मिनट में बताने वाला हूँ उसे सुन लो, आपका भला हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। मैं आपको सही ट्रैक पे लाना चाहता हूँ, सही पटरी पे लाना चाहता हूँ, आपके आने वाले टाइम को बचाना चाहता हूँ, आने वाली बीमारियों को, पैसे को बचाना चाहता हूँ, ताकि आप एक सुरक्षित जीवन जी सके और अपने परिवार को आगे लेकर के बढ़ सके, वो बताना चाहता हूँ। तो ये सबसे बड़ा समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या महंगाई। नंबर 2, आपका जो दूसरा दुश्मन जो आपको हमेशा गिरा के रखता है, तोड़ देता है कमर को, हमेशा डरे हुए होते हैं, जैसे ही उसका सामना होता है, जैसे उसका आगमन आपके घर में होता है, आपके पैर कांपने लग जाते हैं, आप बिल्कुल एकदम रात में नींद नहीं आती है, बेचैन हो जाते हैं, फोन करके पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, जिसका नाम है बीमारी। ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि डॉक्टर को मुंह मांगा पैसा देना पड़ता, कोई डिस्काउंट नहीं होता है। सोच करके देखो, हम कहते हैं गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, एक बात बताओ, अगर आपके पेट से 1 किडनी निकाल ली जाए तो कितने की बिकेगी? फिर गरीब क्यों, एक एक पार्ट को अगर बेचे तो कई करोड़ का बिकेगा। एक एक पार्ट अगर आपके शरीर का एक एक पार्ट को बेचा जाए तो कई करोड़ कई अरब रुपया में बिक जाएगा। आपके एक हाथ को काट लिया जाए, कोई बोले आपको मैं 10 लाख रुपया दूंगा, आप अपना दाहिना हाथ दे दो, है कोई देने को तैयार? फिर हम गरीब क्यों मानते हैं, हम अपने आप को गरीब समझते क्यों हैं? कारण यह है कि बचपन से ही सिखाया जाता है बेटा कम खर्चा करो, महंगाई ज्यादा है, पैसे कम है, गरीब हैं हम, हम इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकते, ये तो अमीरों का घर है, तो अमीरों की गाड़ी है, हमारे बस की नहीं है। लेकिन एक बात समझ लो, लिख के ले जाना, आज के टाइम में जितने भी लोग अमीर हैं, आज के टाइम में जितने भी लोग अमीर हैं, चाहे वो टाटा बिरला हो, अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई भी हो, उनके पिताजी या उनके दादाजी एक दिन गरीब थे, इसको सर्च कर लेना, सहमत है कि नहीं इस बात से? जितने भी लोग आज गरीब हैं उनके दादा या उनके पापा कभी गरीब थे, आज वो अमीर है ना। सेम उसी तरीके से हम जो खड़े होकर के यहाँ बोल रहे हैं, बता पा रहे हैं, RCM से महीने का 30,000 रुपया कमा पा रहे हैं, एक दिन हम भी गरीब थे तो लुधियाना आए, अमीर होते तो नहीं।
सच है कि नहीं मेरी बात? Yes, sir. मैं बोल दिया हूँ पहले, अगर मैं सच बोलूंगा तो हाँ बोलना, झूठ बोलूंगा तो हाथ उठा देना। मैं भी गरीब था तो लुधियाना आया, अमीर होता तो नहीं। सही है ना? Yes. लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, गरीब थे लेकिन गरीब मरेंगे नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। से मैं भी सोचता हूँ मैं गरीब पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पटरी को कर दिया चेंज। क्या किया? पटरी को कर दिया चेंज। अब हमारे दादा ने कुछ नहीं किया, परदादा ने कुछ नहीं किया, पापा ने भी कुछ नहीं, उन्होंने कुछ अलग एक्शन नहीं लिया, कुछ अलग करने का